नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं स्विका आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस महीने के आखिरी दिन के बारे में, 28th of February 2021। कैसा रहेगा आप सभी के लिए, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है, क्या चीज़ें करने से आप सभी को बचना है, कहाँ सावधानी रखनी है, इस सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एक अचूक उपाय जिससे कि आप इस दिन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है नोट डाउन करते रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आइए बात करते हैं एनर्जी अपडेट क्या कहता है। सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखते हैं। 28 February 2021 नंबर हमारे पास अगर कैलकुलेट करें दोस्तों, तो पहला नंबर हमारे पास आता है 8+2, यहाँ पर नंबर 1 आता है। इसके साथ कंबाइंड कैलकुलेशन अगर हम करें दोस्तों, तो यहाँ पर 5+1 6+2 8 नंबर आता है हमारे पास, 8 नंबर। तो यहाँ पर पहला नंबर 1 नंबर सन का नंबर, सूर्य का नंबर, और नंबर 8 सैटर्न आपका शनि का नंबर। और दिन अगर आप देखिए तो रविवार का दिन है यहाँ पर दोस्तों, और ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य जो बैठे हुए हैं अभी वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और भारत की कुंडली के हिसाब से तो कर्म स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और नक्षत्रों के हिसाब से भी देखा जाए और यूनिवर्सल कैलकुलेशन देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये जो दिन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा होने वाला है, फायदे का दिन होने वाला है। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि 27 February भी किस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वाला दिन था, वैसे ही यहाँ पर 28 February भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आप सभी के पास आ रहा है। 28 फरवरी 2021 आप सभी के जीवन में कुछ नई चीज़ें करने का प्रयास करेगा, कुछ नई चीज़ें आप सभी को देने का प्रयास करेगा, और आप सभी को इसका कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। यहाँ पर आप सभी देखिए कि ये जो दिन रहेगा, इस दिन में आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आप कुछ नया करने की भी कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। आपको दो चीज़ों पे विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। पहला, पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। पैसा कहीं बड़े लेवल पर अगर लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। साथ ही साथ दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और खासकर बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा प्यार से पेश आना है। इसके अलावा किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन करते समय भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें परेशानियाँ महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो दिन रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए, ये जो दिन रहेगा इस दिन में आपको रिस्क वाला काम अवॉइड करना है और अपने आप को शांत रख के, रिलैक्स रख के ये दिन को निकालने की कोशिश रखनी है, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर एक चीज़ कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रही है कि मन में चिंताएँ रहेंगी ही रहेंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर रहे, पर ये कन्फर्म है कि मन थोड़ा सा अशांत ही रहेगा, मन में चिंताएं रहेंगी, और उसके कारण से ऐसा होना भी संभव है कि आपका सर दर्द पूरे दिन बना रहे। ये स्पेशली 2 बजे से पहले पहले का जो समय रहेगा वो आपके सर दर्द का समय रह सकता है, तो वहाँ पर आपको सर दर्द के कारण से थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो समय रहेगा इसमें आपको बाहरी लोगों से बच के रहना है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि आपको परेशान करें, ऐसे लोग जिसके कारण से आपको थोड़ा सा खतरा हो, आपको अनकम्फर्टेबल लाइक कंफर्टेबल फील ना हो, तो वहाँ से उन लोगों से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं है, दिन आपका अच्छा है और एक अच्छे लेवल पर आप इस दिन को निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रखना है। बहुत ज़्यादा उठापटक वाला करेंगे काम तो बहुत ज़्यादा उठापटक के कारण से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, बट अगर आप रिलैक्स रख के काम करेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा परेशानियाँ आपको नहीं होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले राशियों के लिए बता देता हूँ। तो राशियों के लिए भी अगर देखा जाए तो मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए दिन ठीक रहेगा, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें दोस्तों हम यहाँ पर, तो नंबर्स में भी आप देखिएगा 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल दिन यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो अल्फ़ाबेट्स में भी आप देखिएगा ए अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट, एच अल्फ़ाबेट, पी अल्फ़ाबेट और एस अल्फाबेट वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार दिन यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कि आपको क्या अचूक उपाय करना है जिससे कि ये दिन आपका और भी ज़्यादा अच्छा चला जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस ना हो पाए।
अचूक उपाय में आप सभी को क्या करना है नोट डाउन करिएगा। उससे पहले एक जरूरी बात, 28 February 2021 मैं दिल्ली में रहूंगा। नेक्स्ट 6 दिनों के लिए मैं आपसे दिल्ली में मिल सकता हूं, आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखवाना चाहते हैं पर्सनली मिलके, फेस टू फेस मिलके, तो आप मुझे अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाला सप्ताह हम रहेंगे दिल्ली में, ग्रेटर कैलाश में, साउथ दिल्ली की तरफ यहाँ पर मैं रहूँगा। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे आगे का डिटेल पूछ सकते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अपॉइंटमेंट बुक करके ही मिलने के लिए आएँ ताकि मुझे भी टाइम का पता रहे और आप भी अपने टाइम के साथ अपने आप को टाइम दे पाएँ। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या अचूक उपाय करना है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर ज्योतिष एंड वास्तु एक साथ टेलीग्राम पर लिख के सर्च कर दीजिए। किसी और का चैनल ज्वाइन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी मैं आपको उपाय बताता हूँ दोस्तों, इन सारे के सारे उपायों को आप आराम से कर सकते हैं। इन उपायों को करने से पहले आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, तंत्र और टोटकों से संबंध नहीं रखना है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि 28 February को आपको क्या उपाय करना है। 28 February 2021 को आपको जो उपाय करना है वो आप लिखना शुरू करिए। 28 February को आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जो भी काम करना है उसमें सबसे पहले तो संयम रखना है, धैर्य रखना है, शांति से इस काम को करने की कोशिश करनी है। दिन की शुरुआत भगवान सूर्य के आशीर्वाद से करिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। भगवान सूर्य को जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें हल्का सा सिंदूर मिला दीजिए और जल चढ़ा दीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सूर्य को जो जल चढ़ाना है ये आपको सुबह सुबह ही चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अर्ली मॉर्निंग जितना चढ़ा देंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको और क्या करना है तो यहाँ पर आपको इस दिन को अच्छा बनाने के लिए दो चीज़ें और ज़्यादा और करनी है जिससे कि आपको और ज़्यादा फायदा मिले। जो भी आप पूरा दिन निकालेंगे, जहाँ पर भी आप जाएंगे, कुछ भी ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो आपको कलर में क्या करना है, आप वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रीम कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइट कलर्स का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ज़रूरी क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपने खाने में या फिर अपने साथ एक काली मिर्च ज़रूर रखनी है। एक काली मिर्च आप अपने साथ पूरे दिन रखिएगा और स्पेशली खाने में और चाय के साथ उसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा ताकि इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिले और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो काली मिर्च का प्रयोग आपको ज़रूर करना है और काली मिर्च के प्रयोग से आपकी एनर्जी जो है वो बनी रहेगी, आपका फोकस जो है वो बना रहेगा और इससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को कुछ डोनेट कर पाएँ तो वाइट चीज़ का दान ज़रूर कर दीजिए। वाइट चीज़ का दान चावल हो गया आपका, वाइट आटा हो गया आपका, वाइट एनीथिंग, वाइट कपड़े हो गए, अगर वाइट चीज़ का दान अगर आप कर पाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जो महत्वपूर्ण था वो था काली मिर्च और एक हल्दी का टीका अपने माथे पर ज़रूर लगा के रखिएगा। हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाने से भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।